आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ झटपट से बनने वाले स्वादिष्ट गुलाब जामुन की रेसिपी को। इन गुलाब जामुन को आप बिना मावा के बना के तैयार करेंगे, एकदम सॉफ्ट रसीले आपके गुलाब जामुन बनके तैयार होंगे। इन गुलाब जामुन को आप घर के कुछ ही ब्रेड से बना के तैयार करेंगे, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये झटपट से बनने वाले गुलाब जामुन जो कि बहुत ही जल्दी बन गए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगेगी, तो लाइक ज़रूर करिएगा। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है। सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं। तो पूरे एक कप चीनी का मैंने इस्तेमाल किया है। इसमें हम डाल देंगे 1.5 कप पानी, क्योंकि गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें गाढ़ी चाशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पतली चाशनी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने पूरे 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम क्या करेंगे, इस चीनी को थोड़ा सा चला देंगे ताकि चीनी हमारी अच्छे से घुल जाए, और बस इस तरह से हम चलाएंगे। अगर आपकी जो ये चीनी चाशनी एकदम परफेक्ट बनेगी ना, तो गुलाब जामुन भी बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। अगर आपने ये चाशनी अच्छे से पतली सी बना के तैयार की, तो बहुत ही स्वादिष्ट आपके गुलाब जामुन बनेंगे, कोई उसमें गुलटी वगैरह नहीं पड़ेगी और बहुत ही अच्छे सॉफ्ट मुलायम बन के तैयार होंगे। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, इसके लिए आपको पानी और चीनी को देखें पहले अच्छे से मिक्स कर देना है। जैसे ही चीनी घुल जाएगी तो हम इसे छोड़ देंगे और इसे पकने देंगे। सिर्फ आपको 7 से 8 मिनट ही मीडियम आंच में इसे पकाना है और आपकी चाशनी एकदम तैयार हो जाएगी। अब आप इसमें चाहो तो कुछ केसर के धागे भी डाल सकते हो, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपको लगता है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। और फिर से मैंने देखें इस तरह से इसे चला दिया है। अब क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ी सी इलायची का पाउडर चाहो तो डाल सकते हो आप, या फिर इस तरह से इलायची को खोल के भी डाल सकते हो। अब 7 से 8 मिनट के लिए हम इस चाशनी को पकने देते हैं। थोड़ी सी ये जो चाशनी है एकदम पतली दिख रही है अभी, तो तेल जैसी थोड़ी सी चिपचिपी हो जाए। तो देखें जब पकेगी, इस तरह से आपको गैस को छोड़ देना है। इसके बाद आपको धीमी आंच में 7 से 8 मिनट के लिए इसे पका लेना है। अगर आपको जल्दी है तो आप मीडियम आंच में भी पका सकते हो। अब यहाँ पे हमारी चाशनी जो है तैयार हो गई थी, मैंने साइड रख लिया है। अब कुछ ब्रेड ले लेंगे, और ब्रेड मैंने यहाँ पे 6 से 8 पीस का इस्तेमाल किया है। इन्हें अच्छे से हम कट कर लेंगे, इनके किनारे हमें हटा देने हैं। तो किस इस तरह से मैंने देखे किनारे इसके हटा दिए हैं, क्योंकि वाइट वाला हिस्सा जो है वही हम इस्तेमाल करेंगे, और उसी से आपके एकदम बढ़िया सॉफ्ट मुलायम गुलाब जामुन जो है बनके तैयार होंगे। आप देखें इस तरह से सारे ब्रेड आपको काट लेने हैं। अगर आपके पास पुराने ब्रेड हैं तो भी आप बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि पुराने ब्रेड हैं तो आप उससे गुलाब जामुन नहीं बना सकते हैं। बस आपको कोई भी ब्रेड ले लेना है, कुछ इस तरह से सफ़ेद हिस्सा इसका निकाल लेना है, और मैं यहाँ पे इसे कट कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे मिक्सी के जार में डाल के भी ग्राइंड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट इसी तरह से कट करने के बाद इसे इस्तेमाल कर लिया है। अब ब्रेड के गुलाब जामुन बनाने के लिए आपको बहुत सारे सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इसे एक बर्तन में हमें डाल देना है। साथ में हमें इसमें दूध डालना है, तो अभी हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। अगर ये दूध जो है चम्मच से नापें तो 5 से 6 चम्मच करीब दूध डाल देंगे और इसे सॉफ्ट होने देंगे। तो देखिए थोड़ी देर मैंने इसे दूध डाल के छोड़ दिया, सिर्फ 2 मिनट के लिए। और इसके बाद हम इसे इलायची का पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच, क्योंकि इससे टेस्ट और भी बढ़ जाएगा इसका। हाथों से अच्छे से मिक्स कर देना है बढ़िया तरीके से। तो बस इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा के आपको तैयार करना है। अब देखें मैंने सारे ब्रेड को कुछ इस तरह से कर लिया है, ये अच्छे से मैश हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे ये मिल्क पाउडर, इससे हमारे गुलाब जामुन का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। आप चाहो तो इसमें घी 1 चम्मच भी डाल सकते हो, घी डालना चाहो। अगर आप जैसे ये आप नहीं डालना चाहते हैं, मिल्क पाउडर जल्दी नहीं मिलता आपको, तो आप क्या करिए घर की ताज़ी मलाई 1 चम्मच इसमें ऐड कर दीजिए।
इससे ज़्यादा ना डालिएगा, बस इसका एक सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लीजिएगा। एकदम सॉफ्ट डो रहना चाहिए ताकि हमारे गुलाब जामुन ना ही फटें और ना ही मतलब अंदर से टाइट रहें, एकदम सॉफ्ट। देखें कुछ इस तरह से मैंने डो लगा के तैयार किया है, बहुत ही ये सॉफ्ट है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। अच्छे से मसल के चिकना कर लिया है, कुछ इस तरह से डो बन के तैयार हुआ है। अब देखें हाथों पर तेल या घी लगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है, जितना सॉफ्ट रहेगा उतने ही बढ़िया हमारे गुलाब जामुन बनेंगे। तो बस इस तरह से अच्छे से चिकना कर लीजिए, बहुत ही इजी तरीके से ये चिकने हो जाते हैं। इन्हें चिकने करने में आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। और ये देखें सारे गुलाब जामुन बनके तैयार हो गए हैं, कुछ इस तरह से मैंने जल्दी से बना लिए हैं। अब यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रख दीजिए, अगर आप घी में फ्राई करना चाहते हैं तो घी रख दीजिए गरम करने के लिए। और पहले मैंने एक डाला और फिर इसे चेक किया, और देखें कितने बढ़िया ये बन रहे हैं। तो देखें मीडियम आँच में इन्हें तलना है, बहुत ज़्यादा धीमी आँच में ऐसा नहीं है, तलते रहना है। थोड़ी सी आँच को आपको मीडियम रखना है। और सारे गुलाब जामुन अब डाल देते हैं, क्योंकि जो मैंने पहले डाला था वो एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी के भी डाल देते हैं। और देखें सारे डालने के बाद इन्हें हमें पलट देना है, तुरंत हम इन्हें पलटेंगे, नहीं तो ये नीचे से कुछ इस तरह से लग जाएंगे। तो जैसे ही आप गुलाब जामुन को डालें और पलट लें, इसके बाद आपको लगातार इस तरह से पलटते हुए इन्हें सेकना है, ताकि इनका बहुत ही प्यारा सा कलर चेंज हो जाए। ऐसा नहीं करना है कि धीमी आंच में ये पड़े हैं, हम इनको एक तरफ मतलब चलाएं नहीं तो ये एक तरफ सेकेंगे, दूसरी तरफ से नहीं सेकेंगे। अगर आप इस तरह से चलाते रहेंगे तो इनमें बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा और बहुत ही अच्छे सिक्के तैयार होंगे। अब देखिए एकदम परफेक्ट बढ़िया हमारे गुलाब जामुन सिक चुके हैं। अब हम इन्हें डाल देते हैं पैन में, और बस इसी तरह से हमें इन्हें छोड़ देना है। कम से कम हमें 20 से 25 मिनट इसके लिए लग जाएंगे। अगर आपके गुलाब जामुन में थोड़ा टाइम लगता है तो आप इसे ज़्यादा देर के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो बस मैं इसे 25 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देती हूँ। इसके बाद हम गुलाब जामुन को चेक करेंगे। अब देखें कितने बढ़िया ये फूल के तैयार हो गए हैं, एकदम सॉफ्ट से हो गए हैं। और अब इसमें चाशनी भी बहुत ज़्यादा नहीं बची है, कुछ इस तरह से आपको ये गुलाब जामुन दिख रहे होंगे। अब मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ कि कितने बढ़िया हमारे गुलाब जामुन बनके तैयार हुए हैं। और इन्हें देख के आप बता नहीं सकते कि आपने इन्हें ब्रेड से बनाया है, एकदम सॉफ्ट बने हैं, मुलायम बने हैं, अंदर तक बिल्कुल रसा गया है, एकदम परफेक्ट बने हैं। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करें,